ऑटो रिक्शे पे पूरा फूड कार्ट इन्होंने तैयार किया है, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो तीन पिज्जा एक साथ। मैं इसमें तकरीबन 3 लाख टाइम में निकाल सकता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं कस्टमर की जेब से कुछ ना निकालूं, इसीलिए मैं ठीक के ऊपर एक सेटअप को लगाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नादिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नेक्स्ट वर्ल। तो हमेशा की तरह एक थोड़ी सी यूनिक सी डिफरेंट सी स्टोरी लेकर आई हूं। खाने के रिव्यूज हम बहुत सारे करते रहते हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के विजिट करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक अनोखे से रेस्टोरेंट में लेकर आई हूँ जो कि किसी रेस्टोरेंट में नहीं है बल्कि एक ऑटो और रिक्शे पे बनाया गया है। और ये पूरा फूड कार्ट इन्होंने तैयार किया है और किस तरह से बनाया है पूरा यहाँ पे आप देख लें। ऑटो रिक्शे पे पिज़्ज़ा हट जो इन्होंने पूरा तैयार कर दिया है और उस पर ये पिज़्ज़ा यहाँ पे सेल कर रहे हैं। इनकी भी स्टोरी है कि ये क्या करते थे, किस तरह से ये यहाँ तक पहुँचे हैं और अपना एक कार्ड खड़ा करके जो है अपना कारोबार स्टार्ट किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। अदनान, आप मुझे ये बताएं कि कैसे आइडिया आया, क्योंकि एक ऑटो से आपने उसको पूरा जो है ना पिज़्ज़ा कार्ड बना लिया पूरी, इसमें जो एक ओवन। जी ओवन, ओवन ये है जस्ट लाइक वुड फायर ओवन है ये। और क्योंकि आजकल यहाँ पे कराची में या पाकिस्तान में वुड फायर ओवन का निज़ाम सिस्टम नहीं है, और इसलिए मैंने ये मुतारिफ करवाया कि ये मैं वुड फायर ओवन यूज़ कर रहा हूँ, किसके लिए मैं वुड भी यूज़ कर रहा हूँ और साथ में गैस भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा मेंटेन जो इसका टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है जिससे, और माशाल्लाह जो उसका अरोमा आता है ना वुड का, वो टेस्ट डेवलप कर देता है, उसको डेवलप कर देता है। तो कैसे आइडिया आया कि एक ऑटो में जो है आपने पूरा एक लोग वैन की तरफ थे, मैंने देखा था बाइक पे कर रहे थे, लेकिन आपने ऑटो को ही पूरा एक फूड कार्ट बना लिया। बस ये समझे कि देखें, मैंने सोचा कि कुछ यूनिक सा किया जाए और एक्सपीरियंस था इस चीज़ का, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने यही काम किया, काफ़ी मल्टीपल रेस्टोरेंट्स में मैंने काम किया और माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है मेरा इसका। तो मैंने सोचा कि कुछ क्यों ना अपना किया जाए, क्योंकि जॉब तो आपको पता है कोविड के बाद से जो है जॉब के ऊपर जो किल्लत, जॉब की किल्लत हुई हुई इस पाकिस्तान के शहर में। तो मैंने भाई की काफ़ी ट्राई की बाहर चला जाऊँ पाकिस्तान से, नहीं हो सका। अल्लाह का करना ये था कि अल्लाह ताला ने ये करवाना था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ आ गया और इसको क्रिएट किया और माशाल्लाह यहाँ पे खड़ा हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं इस वक्त आपके पास कौन कौन से पिज्जे के फ्लेवर्स हैं? देखिए मेरे पास और उसके क्या कौन कौन से मतलब प्राइस आपने क्या रखे हैं? जी मेरे पास जो फ्लेवर्स हैं, चिकन टिक्का, चिकन फजीता, फजीता सिसिलियन, वेज लवर, चीज लवर, ये तो सब जो 500 के सारे जो फ्लेवर्स आपने रखे हुए। जी सारे फ्लेवर्स रखे हैं और स्मॉल मीडियम लार्ज। जी तीनों कैटेगरीज है मेरे पास, तीनों हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा तो नहीं होता कि लोग आप जाहिर है कि एक उस पे कार्ड पर है, आपको टाइम ज्यादा लगता हो? नहीं, मैं देखिए मेरे पास जो लगता है मेरे हैंड से लगते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट। ओके, सही, यस हार्डली 5 मिनट मेरे पास से निकलने लगते हैं। बैक टोने में तकरीबन 4 मिनट, 4 मिनट में मेरा पिज्जा बन गया। वाला कह लेंगे झटपट पिज्जा है, झटपट पिज्जा है, बेफिक्र हो जाए। अच्छा, यहाँ पे तो आपको कह रहे हैं होम डिलीवरी भी है? जी बिल्कुल, होम डिलीवरी हमने अपना राइडर रखा हुआ है। अच्छा, आपने अपना तो मेरा जो नंबर है 03112610031, इसके ऊपर आप जब मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल करते हैं तो आपको ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे इनका भी मैं दिखाऊंगी, इनका पूरा यहाँ पे वो पूरा कार्ड के पीछे जो है इन्होंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है, उसमें आपको पिज्जे की प्राइस भी नजर आ जाएंगे, इसका यहाँ बिल्कुल कॉन्टैक्ट भी नजर आ जाएगा। तो आप ये कहते हैं आज आप हमें कौन सा पिज्जा बना के खिलाएं? मैं आपको बना के खिलाने वाला हूँ इस वक्त चिकन सुप्रीम। मैं चीज लवर हूँ तो आई जस्ट नीड सम। देखिए अगर चीज लवर है तो ओनली चीज तो पिज्जा आपको मजा नहीं आएगा। चिकन सुप्रीम मैं आपको बना के खिलाता हूँ। ठीक है, और स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपके लिए बना रहा हूँ एक मीडियम पिज्जा। तो ये मीडियम कि वो उसका वही है, दो आपकी तैयार? बिल्कुल, ये दो मेरी रेडी है, ये दो मेरी अपनी, इसके ऊपर ये समझ लें कि मैंने अपना सारी जो काफी जिंदगी की जो मेरी मेहनत है ना, तो वो डो के ऊपर मैंने खत्म की है। और सबसे मेन चीज ही डो होती है पिज्जा की। बिल्कुल, डो के अलावा पिज्जा में बेसिक जो है सबसे पहले डो है, और इसका मैं जो वेट लेता हूँ वो लेता हूँ 280। ठीक है, 280 ग्राम का मेरा पेड़ा होता है इसका, मीडियम पिज्जा है उसका, और लार्ज का जो होता है वो मेरा होता है 440। ठीक है, और स्मॉल जो है, हाँ ये मेरा जो है मतलब हर किसी के लिए, कस्टमर वो कैसा भी हो उसके लिए ग्रामीज मेरे लिए लाजमी है, वरना ऐसा नहीं होना कि घर से बस पेड़ा खाया। नहीं 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 नहीं, मेरा ऐसा नहीं, हर चीज बिल्कुल हर चीज ग्रामीज हर किसी के लिए, क्योंकि ये तोल की जो मसला है वो मेरा कंप्लेंट्स भी आती है। तो इसको हम माशाल्लाह। अच्छा, आप स्टार्ट कर रहे हैं अदनान पिज्जा बनाना, मेरी पसंद थे चिकन सुप्रीम। चिकन सुप्रीम मेरा जो टाइम है यहाँ पे 7 से 12 का टाइम है, शाम 7 से रात 12 बजे तक होता हूँ मैं यहाँ पर।
और आप स्टार्ट करते हैं 12 बजे तक होते हैं? 12 बजे तक होता हूँ, और किसी दिन अल्लाह ताला जल्दी निमटवा देता है तो 11 बजे भी चला जाता हूँ। कभी होता है कि 12:30 भी हो जाते हैं, ये लाजमी नहीं कि एक टाइम होता है। वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी ही निमट जाता हूँ। अब हम लगाएंगे इसे पिज्ज़ा सॉस, जो कि ये मेरा अपना बनाया हुआ पिज्ज़ा सॉस है, और इंशाल्लाह ताला आपको खाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अनियन, हर चीज़ इंशाल्लाह आपको बिल्कुल फ्रेश, और जो चीज़ मैं आज तैयार करता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो कल यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं बनाते इतना हूँ कि जितना जो मैंने आज बनाया है ये बिल्कुल, ये मैरिनेशन भी मेरी अपनी है, चिकन मेरी अपनी मैरिनेशन है, और जो भी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि जो आज मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कल मैं यूज़ नहीं करता। 3 types ऑफ चिकन जाएगी इसके अंदर, 3 किस्म की चिकन है, जिसमें वो कहेंगे चिकन टिक्का और चिकन फजीता की चिकन है ये वाली, ये जाएगी, और इसमें पूरा डलता है 1/2 cup ना। ये वाली चिकन कौन सी है? ये चिकन टिक्का, टिक्का, और ये है मलाई टिक्का, मलाई टिक्का। तो आप ये तीनों चिकन इसके अंदर जाती है। चिकन सुप्रीम में 3 टेस्ट आपको मिलेंगे मेरे। यहाँ पे ज्यादा कौन सा पसंद कर रहे हैं? मेरे पास जो लोग अभी जैसे जो स्पाइसी लाइक करते हैं वो मेरा स्राचा बहुत शौक से माशाल्लाह खा रहे हैं पिज्जा, और स्राचा सॉस मैंने अपना खुद डेवलप किया है। वैसे स्राचा सॉस मार्केट में मिलता है, मगर अब इसके हम डालेंगे चीज भी 1 cup होती है हमारे पास इसमें मीडियम पिज्जे में, और आप आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको इसी बनाते हुए मिलूंगा जैसे मिल रहा हूँ। जब भी आएंगे कस्टमर्स हो या मतलब उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ग्रामीण या मतलब कोई कमी पेशी नहीं, कोई कमी पेशी आप देखिए ऐसा होता है कि व्लॉग बनाने के लिए लोग जो है कैमरा देख के जो है ना स्पेशल बहुत अच्छा प्रेजेंट, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो कस्टमर्स है वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई आपने उनको तो इस तरह से दिया, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह मेरे पैसे कुछ नहीं मिलेगा ये हो गया। और अब हम इसमें डालेंगे मशरूम सर्व करेंगे इसके अंदर डालेंगे, गार्निशिंग करेंगे मशरूम की, मशरूम जो कि काफी महंगी चीज है, बहुत सारे लोगों को मशरूम पसंद नहीं, ठीक है ये मशरूम आ गए। अब इसके हम डालेंगे ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव, अब इसको हम बैक की तरफ जाते हैं। बेलचा, ये हमारा बेलचा है, बेलचा है, वाह। और ये देखिए एक ही इसमें आ गया, इसके अंदर आ गया, और ये अब हम इसको बैक करेंगे और फिर इसका बैक के बाद मिलते हैं आपसे। अब जो तकरीबन 4 मिनट लगते हैं इसको बैक करने में, तो 2 मिनट बाद में निकालूंगा, इसके ऊपर ऑयलिंग करूंगा और फिर दोबारा मैं इसको रखूंगा ताकि जो सॉफ्टनेस आ जाए इसके ऊपर। ये हमारा चार्ट है और उसके ऊपर हमने बहुत रिजनेबल प्राइस रखे हुए लोगों के लिए, ताकि अच्छा इंशाल्लाह चाहे तो इन फ्यूचर भी मेरा कोई प्लान नहीं है कि इसके ऊपर प्राइस को और बढ़ाऊँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं कस्टमर की जेब से कुछ ना निकालूँ, इसीलिए मैं ठीक के ऊपर एक सेटअप को लगाया, और सेकंड ये कि मैं इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा जो है खर्चा नहीं कर रहा कि जैसा कि मैं ये करूं कि मैं ब्रोशर्स बनवाऊं या पंफलेटिंग करूं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि जो आएगा वो खा के बताएगा कि मैं क्या बना रहा हूं। वो कहते हैं ना आजमाइश शर्त है, हाँ आजमाइश शर्त है, तो शर्त लाए आजमाए जी। अब हम हमारा पिज्जा जो है तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, देखें उसके ऊपर ऑयलिंग करेंगे, हाँ हाँ अच्छा बिल्कुल करें, आप ऑयलिंग करें, आप ऑयल करें उसके ऊपर स्केजेस स्पॉइल करें। जबरदस्त सा जो है पिज्जा तैयार हो गया, मुझे इतनी तरह सही कर रही है ठीक, बस अब ये इसको थोड़ा सा हम इसके जो एजेस है ना, अच्छा ये साइड, हाँ ये एजेस थोड़ी सी, हाँ थोड़ी क्रिस्पी भी हो जाएगी और थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी बहुत जल्दी ना। जिसके अंदर ये देखिए कितना यमी लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं, किसी बड़े आप कह रहे हैं रेस्टोरेंट में पिज्जा खाते हैं वैसे ही है। और आप ये दोबारा डालेंगे पिज्जा को, और वैसे एक बात कहूं अदनान भाई, अगर हम कहीं और जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट पे तो यू नो पिज्जा का जो टाइम होता है वो 23-25 मिनट्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी आप टाइम, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे चाहिए आपको 10 मिनट के अंदर अंदर पिज्जा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जब रश होता है तो फिर मेरे पास तकरीबन 20-25 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि ओवर टू मतलब, हाँ वो तो है लेकिन एक बैक टाइम बता, जैसे बैकिंग टाइम जो मेरे पास तकरीबन 10 मिनट है, अगर मेरे पास कोई ऑर्डर होता है तो मैं फिर ऑर्डर के बाद का टाइम देता हूँ। अच्छा इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2-3 पिज्जा एक साथ, मैं इसमें तकरीबन 3 लार्ज एक टाइम में निकाल सकता हूँ, और माशाल्लाह काफी स्पीड से निकालना जानता हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कस्टमर जो भी आते हैं वो परेशान नहीं होते। अच्छा पिज्जा रेडी हो चुका है? जी बिल्कुल पिज्जा रेडी हो चुका है, तो हम आपको पिज्जा निकाल के दिखाते हैं। ये हमारा पिज्जा गर्मा गर्म हमारा चिकन जो है हमारा सुप्रीम पिज्जा रेडी है। अच्छा ये देखें ये हो गया है रेडी टू सर्व, ये कटिंग बोर्ड पर आ गया, ये हमारा पिज्जा रेडी है।
और शुभम बॉक्स में। तो गाइस ये देखिए पिज्जा जो है ये तैयार है और कोई से उठा ले, कोई से उठा ले, कोई यही उठा ले, कोई इशू नहीं। ये देखिए इसमें आपको सारी वेजेस ही मिलेंगी, चिकन भी मिलेगा, मशरूम भी मिलेगा और सॉस भी, और देखने में तो बड़ा ही कोई मजेदार सा लग रहा है। ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह खा लेंगे। जी जी, क्या पिज्जा बनाया आप? क्या अच्छा नहीं बना है पिज्जा? कमाल का बनाया है। थैंक यू, मेहरबानी मेहरबानी। डर गए थे आप? जी नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं, आपको कुछ नहीं, बहुत पसंद नहीं आया पिज्जा है। और सीरियसली मैं अगर कहूँ तो यहाँ पे बटरिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही, या मैं इसलिए कह रही कि मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाने आई हूँ, आउट क्लास। अगर मैं कहूँ 10 out of 10 तो मैं 10 out of 20 दूंगी। थैंक यू मैम। तो आप यहाँ पर आए, आप नॉर्थ कराची 11B में दौरा की शीरी के बिल्कुल जो है करीब इनका कार्ड है। अदनान थे कि आप पिज़्ज़ा जो है ट्राई करें, अपने घर वालों के लिए मिले, फैमिली को भी लेकर आएँ, और एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा पिज़्ज़ा है, आपको एक साफ सुथरा जो है ना आपको फूड मिला है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। मैं तो अब यहाँ से ऐसे भाग रही हूँ, देखिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।